डीएचक्यू जेएलएम में मौजूद पैरामेडिकल हॉस्टल को देख अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नाहल इंतजामिया इस बिल्डिंग का ख्याल नहीं रख रही। छतें इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी हैं, जिनके सरिये तक नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंटों के लिए बाथरूम इंतहाई टूट फूट का शिकार है। इस बिल्डिंग पर अरसा दराज से ना तो असर नो तामीर करने के लिए कोई इकदाम किए गए और ना ही इसकी रेनोवेशन के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं। जब हम मौकफ जाने के लिए CEO डॉक्टर वसीम के पास गए तो उनका कहना था, नहीं जो भी अभी आपने मेरे नोटिस में ये बात लाई है, मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की है, तो जहाँ तक M&R का है वो तो वाकई हमारे पास बजट का फिर से उसका नहीं आ रहा, लेकिन इनके पास वेलफेयर फंड के काफ़ी पैसे मौजूद हैं। मैंने अभी उनको डायरेक्ट कर दिया है कि उसमें से परमिशन लेके तो उसकी रिपेयर करवाएं इमीजिएटली। पैरामेडिकल हॉस्टल के मुतल्लिक डॉक्टर वसीम का कहना है कि इसके मुतल्लिक हमारे नोटिस में अब आ गया और हम जल्द अज जल्द इस बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए फ़ंड जारी करेंगे और उसके साथ साथ ये जो मसाइल हैं इनको हल करने के लिए जल्द को इकदाम करेंगे। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़, जेहलम।